आज बलूचिस्तान के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं पीसीएस और स्पेशल सीएसएस के, वो यहाँ पे जमा हुए हैं एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए। और यहाँ पर जमा होने की जो हमारी वजह है वो सिर्फ एक ही है, वो वजह ये है कि फेडरल सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन ने 12 अक्टूबर से स्पेशल सीएसएस का इनेकाद का ऐलान किया है, जो कि बहुत सालों बाद एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है बलूचिस्तान के एस्पायरेंट्स के लिए, जिससे तकरीबन 49 सीटें तकरीबन कम उबेश वो फिल होने जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में जब बलूचिस्तान के तमाम एस्पायरेंट्स का इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए तमाम तर फोकस उनका स्पेशल सीएसएस पर है, मीनवाइल पब्लिक सर्विस कमीशन ने बलूचिस्तान के पीसीएस अनाउंस कर दिया, जो कि एक डेट का क्लैश भी आ रहा है और एक बहुत कम टाइम है, पहली वजह। दूसरी वजह यह है कि तकरीबन 5000 उम्मीदवारों ने बलूचिस्तान में पीसीएस में सब्जेक्ट चेंज करने के लिए जमा किए थे, जिनको उनके अभी तक ये कंफर्म नहीं कि आया उनके सब्जेक्ट चेंज हुए हैं या नहीं हुए। तो ऐसी एम्बिग्यूटी वाली सूरत हाल में दोनों एग्ज़ाम्स का एट ए टाइम या थोड़ा बहुत गैप के साथ इनेकाद होना, ये बलूचिस्तान के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। तो आज हमारी जो ये एहतजाज है वो सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन अपना जो अनाउंस करदा पीसीएस है उसको डिले कर दे नवंबर तक। तो आज हम एक ग्रुप की शक्ल में बलूचिस्तान असम्बली के सामने जमा हुए हैं। हमारा मुतालिबा ये है कि पीसीएस और सीएसएस का जो एग्ज़ाम है वो एक साथ ना हो जाए, क्योंकि ये सीएसएस स्पेशल जो है ये बलूचिस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो तकरीबन 40 साल के बाद हमें मिली है। और सीएसएस स्पेशल के तहत हमें और बलूचिस्तान के जितने भी एस्पायरेंट हैं उसको तकरीबन 70 सीट मिल चुके हैं। तो ये सीएसएस स्पेशल जो है वो तकरीबन बलूचिस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। अगर दोनों एग्ज़ाम एक साथ होते हैं तो इससे हमारे सूबे को बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा।